गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोना शर्मा. आई एम गोइंग टू टेक योर स्टेटिस्टिक्स लेक्चर. आई थिंक ऑल ऑफ यू सॉ द फर्स्ट वीडियो विच आई शेयर्ड विद यू यस्टरडे. इन दैट वीडियो वी सॉल्व क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था. मैंने आपको कहा था उससे उसके जैसे जो भी इलस्ट्रेशन आपको मिले यू हैव टू सॉल्व. एंड सो वी कम्प्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1. आई होप यू डोंट हैव एनी डिफिकल्टी इन दैट. If you have difficulty, you may message me. आप मुझे मैसेज कर सकते हो. I will solve your difficulty, है ना. और जैसे जैसे हम सम्स सॉल्व करें, प्लीज सॉल्व दो सम्स इन योर नोटबुक. आप अपने नोटबुक में वो सम्स को सॉल्व करेंगे. नाउ टूडे लेट अस स्टार्ट विद द सेकेंड सम. सो इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मीन. वॉट इज मीन दैट वी हैव डिस्कस्ड. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके आप वो वीडियो देख लीजिए. हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मीन देखा था. देन वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी क्या है वो हमने देखा था. सेंट्रल टेंडेंसी कौन कौन सी होती है, उसके मेजर्स कौन से होते हैं, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड. एंड इन यूकेस मीडियन वी हैव क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल. वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट यू कैन से क्लास इंटरवल्स एंड ऑल दैट. सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी एंड वी सॉल्व एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1 वी सॉल्व इन द लास्ट क्लास. ठीक है, सो दिस मच वी हैव डन इन द लास्ट क्लास. टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 3.1. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू हैव योर टेक्स्ट बुक विद यू. आप अपनी अपनी टेक्स्ट बुक अपने पास रखिए. एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1 हमने लास्ट टाइम किया था. नाउ टुडे वी विल डू योर क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू हैव द टेक्स्ट बुक. नहीं है तो एक बार वीडियो पॉज करके टेक्स्ट बुक ले आइए. आई विल रीड द क्वेश्चन फॉर यू. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द मीन ऑफ 4 पार्टिसिपेंट्स इन द रिले रेस वॉज कैलकुलेटेड टू बी 24 ईयर्स. ओके, तो यहाँ पर 4 पार्टिसिपेंट्स की बात की है, तो दैट इज 24 ईयर्स. तो एक्स बार मतलब मीन, साफ साफ लिखा है यहाँ पे मीन एज ऑफ 4 पार्टिसिपेंट्स. तो मीन आपकी कितनी है, इट इज 24 ईयर्स. मीन आपका 24 ईयर्स है. ये सब में ऑलरेडी मीन फाइंड किया हुआ है. And N is your 4 people. ठीक है, this is what has been given till now. उसके बाद में later it was found that one participant's age was actually 27 years. ठीक है, so एक participant की age कितनी थी, 27 years. 27 years. But the problem was that, उसमें problem क्या है कि 27 है, which was wrongly recorded as 25 years. उसकी एज कितनी थी, 27 years. ठीक है, बट उसको wrongly हमने क्या रिकॉर्ड किया था, 25 years. तो यहाँ पर जो 25 है, this is actually the wrong value. बोर्ड कंप्लीट हो गया, मैं फिर से करती हूँ. 25 जो है, it is the wrong observation. ठीक है, और व्हाट इज इट गिवन, हाँ 25 ईयर्स रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 25 ईयर्स. एंड एक्चुअली करेक्ट वैल्यू, करेक्ट एज और करेक्ट ऑब्जर्वेशन, एज बोल देती हूँ नॉट ऑब्जर्वेशन, करेक्ट एज. यहाँ पर भी हम एज लिख देते हैं, करेक्ट एज. रॉन्ग एज कितनी है, 25, एंड करेक्ट एज वॉज 27 ईयर्स. ठीक है, so this much is given in your textbook. Now we have to find out that in the race, if the mean age of the person is more than 25, mean age of the person is more than 25, can they participate in the race even of the correction age. तो हमको यहाँ पर क्या find करना है, corrected mean. हमको यहाँ पर क्या find करना है, corrected mean. जो आपको textbook में जो दी है, this is जो हमने पहले लिखी, मैंने जो 24 ईयर्स जो लिखी थी एक्स बार, अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो ये जो 24 ईयर्स है ये क्या है, रॉन्ग मीन है, बिकॉज वैल्यू वॉज रॉन्ग. अगर स्टैटिस्टिक्स में है या कहीं पे भी अगर आपकी डेटा गलत होगा तो आपका आंसर क्या आएगा, गलत आएगा. सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट. सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. सबसे पहले तो हमको ये पता है कि रॉन्ग मीन कितना है, एक्स बार कितना है, रॉन्ग एक्स बार
इट इज लेट मी चेक लेट रॉन्ग इस बार है 24 ईयर्स ठीक है और एन कितना है एन इज गिवन 4 ईयर्स सो लेट अस फाइंड आउट सिग्मा एक्स यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू दी हुई है एन की वैल्यू दी हुई है तो मीन की फॉर्मूला क्या है यहाँ सिग्मा एक्स अपॉन एन सिग्मा एक्स अपॉन एन तो आप लोग विल पुट द वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी यहाँ पर 24 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन 4 ठीक है अब आप उसको फाइंड करो ये आपका स्टेप वन है उसके बाद में आपका स्टेप वन में आप स्टेप टू में आप वैल्यू लिखोगे नाउ थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 24 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अब आप लोगों के पास में कैलकुलेटर है तो आप लोग फाइंड करिए 4 इंटू 24 और किसी का अगर कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा है तो वो भी कर सकता है आई गिव यू वन यू कैन से फ्यू सेकेंड्स फॉर दैट 4 इंटू 24 फाइंड करो आई होप ऑल ऑफ यू फाउंड आउट 4 इंटू 24 कितना हो जाएगा आपका सो एक्स बार इज इक्वल टू फोर्थ स्टेप में आपको बताती हूँ एक्स बार इज इक्वल टू 96 ईयर्स कितना हुआ 96 ईयर क्लियर टिल दिस अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो आप रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं ओके नाउ विल मूव फर्दर मेरा बोर्ड भर गया है तो मैं इसको फिर से रब करूँगी मोबाइल पे बोर्ड थोड़ा छोटा रहता है विल मूव फर्दर या जो हमने 96 ईयर जो हमने फाइंड किया था वो किसकी वैल्यू थी इट वॉज योर रॉन्ग सिग्मा एक्स आई वो क्या है आपका रॉन्ग सिग्मा एक्स आई है अब एक सिंपल रूल याद रखना डू वॉट इज राइट अनडू वॉट इज रॉन्ग ठीक है डू वॉट इज राइट अनडू वॉट इज रॉन्ग तो मैं क्या करूँगी ये जो रॉन्ग एक्स आई है उसको हमको अनडू करना पड़ेगा तो वो कैसे करेंगे लेट अस सी करेक्ट सिग्मा एक्स आई देखो बेटा मेरे को ना जब मैं लिखती हूँ ना तो मुझे ये वाइट बोर्ड दिखता नहीं है तो स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आई बेग योर पार्डन बिफोर दैट मैं पहले से ही सॉरी बोल रही हूँ तो करेक्ट की स्पेलिंग राइट है हाँ करेक्ट सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू रॉन्ग सिग्मा एक्स आई माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन और एज आपकी टेक्स्ट बुक में एज है माइनस रॉन्ग एज प्लस करेक्ट एज मैंने आपको क्या बोला डू व्हाट इज राइट अनडू व्हाट इज रॉन्ग तो मैंने अनडू कर दिया किसको गलत को और करेक्ट एज को ऐड कर दिया ये अपने दिमाग में भेज कर देना डू मतलब ऐड अनडू मतलब डिडक्ट ठीक है तो रॉन्ग सिग्मा एक्स आई की वैल्यू हमारी कितनी थी 96 अब आप टेक्स्ट बुक में देखिए और मैंने अगर आप लोग साथ साथ में सम लिख रहे हैं तो यू कैन सी 96 अब रॉन्ग एज कितनी थी रॉन्ग एज वॉज 25 एंड करेक्ट एज वॉज 27 तो 96 माइनस 25 प्लस 27 करो ऑन योर कैलकुलेटर और यू कैन से ओरली अगर आप करना चाहो तो फाइंड द वैल्यू ओके सो अगर हम लोग करते हैं तो योर वैल्यू वुड बी 98 ईयर्स सो दिस इज योर करेक्ट सिग्मा एक्स आई ठीक है 98 ईयर्स विल बी योर करेक्ट सिग्मा एक्स आई लेट अस मूव फर्दर ये हमने करेक्ट सिग्मा एक्स आई फाइंड किया है अभी भी हमको करेक्ट मीन फाइंड करना बाकी है सो लेट अस गो टू दैट करेक्ट मीन इज इक्वल टू करेक्ट मीन इज इक्वल टू करेक्ट सिग्मा एक्स आई सॉरी नॉट सिग्मा एक्स आई ओनली एक्स सिग्मा एक्स आई वट एवर सिग्मा एक्स अपॉन एन तो करेक्ट सिग्मा एक्स कितना था आपका हमने अभी फाइंड किया 98 और एन तो पहले भी चार पार्टिसिपेंट थे अभी भी चार पार्टिसिपेंट थे पार्टिसिपेंट कम नहीं हुए पार्टिसिपेंट की एज में डिफरेंस आया तो इट इज़ 98 अपॉन 4 तो 98 अपॉन 4 विल बी योर फाइंड करो
it is 24.5. This is your average age, 24.5 years. So this is your answer. ये आपका answer है. अब question में क्या दिया हुआ है कि last line आप देखो आपके question में, if the mean of the mean age of is more than 25 years, can they participate in this race even after the correction age? तो answer would be, आप लिखोगे उसमें कि भाई यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स कि भाई यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट की एज क्या है, 25 ईयर्स से ज़्यादा है. ठीक है, सो ही के नॉट पार्टिसिपेट इन द रेस बिकॉज मीन एज इज 24.5. तो अगर आप 24.5 से ज़्यादा हो, यू कैन नॉट एंटर इन द रेस. और उस पर्सन की एज कितनी है, कितनी है उसकी एज, 25 ईयर्स. कितनी है उसकी एज, 25 ईयर्स. तो उसको 6 मंथ वो क्या हो गया, बड़ा हो गया. 6 मंथ का उसका क्या है, ही इज़ ओल्डर. सो यू विल राइट इट कि देयरफॉर सॉरी एज द एज ऑफ अ पर्सन इज 25 ईयर्स एंड द मीन एज इज 24.5, द पार्टिसिपेंट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द रेस. यू विल राइट दिस इन योर ओन वर्ड्स इन योर नोटबुक. ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.1. I hope you understood. Now, I want to know कि आप लोगों ने ये वीडियो देखा है. So for that, I would like to give you one homework. ठीक है, so write down the homework. The average age of 60 students is 12 years. One child's age was 12 years, but it was calculated 14 years, it was calculated 14 years by mistake. यहाँ पे बोर्ड ख़त्म हो रहा है तो मैं इसको रब कर दूँगी अगर वीकेंड से आगे का लिखने के लिए. सो ऊपर लिखने की कोशिश करती हूँ. फाइंड द करेक्ट find the corrected mean. Okay, so this will be your homework. Find the corrected mean of this question. Solve this question, send me a copy of it. आप अपने उसकी आप PDF या फिर फोटोग्राफ खींच के मुझे भेजो so that I can come to know कि you are following whatever is taught from the school. Okay, so this will be for today. In the next class, we'll continue with the third question. Every day we'll do one or two questions because we have just started our session. Okay? Goodbye, students. Stay safe. Stay at home.